बस की सीजन 3 के एपिसोड 3 में ना कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। हम देखते हैं कि टेम वी लेने के बाद में बिली बुचर पछता रहा है क्योंकि अब उसके अंदर और होमलैंडर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सारा आइडिया यही कहता था कि वो सुपर ह्यूमन नहीं बनना चाहता और कहीं ना कहीं वो होमलैंडर से इसलिए ही नफरत करता है क्योंकि होमलैंडर अगर चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है। हम देखते हैं टेम्प वी लेने के बाद में बिली बुचर जो उसके ऊपर साइड इफेक्ट हो रहे हैं ना उनको देख के पछता रहा है और वो सोच रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टेम्प वी लेने के बाद में बिली बुचर ने गन पाउडर को मार दिया था और हाँ ये जो चीज है ना उसकी साइकी पे बहुत इफेक्ट डाल रही है। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं हमें दिखाया जाता है 17 साल पहले की कहानी जब स्टारलेट एक छोटी बच्ची थी। हम देख सकते हैं वो एक शो के अंदर परफॉर्म कर रही है और उस शो को भी स्पॉन्सर किया है वॉट ने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टारलेट की पूरी लाइफ में जो कंट्रोल था ना वो वॉट का था। वो अपनी माँ को मना भी करती है कि मैं इस शो के अंदर परफॉर्म नहीं करना चाहती। उसकी माँ बोलती है कि नहीं नहीं तुम परफॉर्म करो ये और वो, और आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस तो वो पूरी देती है। बाय द वे जो गाना चल रहा है ना बेबी वन मोर टाइम, ये ब्रिटनी स्पीयर्स का गाना था जो कि बहुत पहले आया था। ब्रिटनी स्पीयर्स की कहानी को देखा जाना काफी लोग बोलते हैं उसके ऊपर मीडिया का कंट्रोल था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयज के सीजन 3 के 3rd एपिसोड में ना स्टारलाइट के ऊपर भी वॉट का कंट्रोल है। तो हाँ सिमिलर कहानी है। परफॉर्मेंस के एंड में हम देख सकते हैं स्टारलाइट फ्रस्ट्रेट होकर अपने हैंड को क्लच करती है और सेम सीन दिखाया गया है एपिसोड के एंड में जहां पर होमलैंडर जब स्टारलाइट के साथ अपना रिलेशनशिप ऑनलाइन अनाउंस करता है ना तब भी उसके मन में जो एंगर है ना वो उसको पी जाती है और अपने हैंड को क्लच करके दिखाती है कि अगेन उसको उसी पेन से सफर करना पड़ रहा है जो कि उसने बचपन में किया था। यानी अभी भी उसके एक्शन पे किसी और का कंट्रोल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉयज की सारी की सारी टीम जमा हो चुकी है। आपको ऑलरेडी पता है कि सेकंड एपिसोड के एंड में जो गन पाउडर था वो बिली बुचर को बता चुका था कि ग्रेस मैलरी के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है सोल्जर बॉय के बारे में। अब हम देख सकते हैं मदर्स मिल्क, बिली बुचर, ह्यूई और सारे के सारे जो बंदे हैं ना वो वापस से असेंबल हो चुके हैं और अब उनका मिशन है CIA ऑपरेटिव के पास जाना यानी कि ग्रेस मैलरी के पास जाना और वहां से सोल्जर बॉय की इंफॉर्मेशन निकलवाना। बाय द वे आप मदर्स मिल्क की टी-शर्ट देख सकते हैं जहां पर लिखा है NWA जो कि एक ईस्टर एग है उस बैंड का जिसका नाम था NWA जो कि अपने ऊपर अपनी कम्युनिटी के ऊपर गाने गाते थे। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मदर्स मिल्क जो है ना वो बॉयज के अंदर इसलिए ही शामिल हुआ है क्योंकि इसके पेरेंट्स की उसकी फैमिली की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं वो और NWA जो बैंड था ना उनकी जो विचारधारा थी वो दोनों सेम है। फिर हमें एक बहुत ही फनी सीन दिखाया जाता है जहां पर जो हमारे ह्यूई है ना वो किमिको से बोलता है कि मेरा हाथ तोड़ दो क्योंकि मुझे ऑफिस नहीं जाना क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे विक्टोरिया न्यूमैन है। अगर उसको पता चल गया कि ये सब उसका पीछा कर रहे हैं, ये होमलैंडर को मारने की तलाश कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्चुअली में एक रेफरेंस है कॉमिक्स का जहां पर हम देख सकते हैं कॉमिक्स के अंदर भी सेम चीज हुई थी जब वो किमिको को उठाने गया था तो किमिको ने उसका हाथ तोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि स्टारलाइट के पास अब चॉइस आ चुकी है कि 7 के अंदर वो किसको इंक्लूड करना चाहती है। हम देख सकते हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट को चुनती है और एक कैंडिडेट होता है जिसका नाम होता है सिल्वर कैंडिडेट जो कि एक मुस्लिम कैरेक्टर होता है। तो स्टारलाइट तो ये चाहती है कि 7 के अंदर अच्छे अच्छे लोग आए और साथ में उनकी टीम को अच्छे तरीके से बड़ा करने, लेकिन होमलैंडर साफ मना कर देता है, बोलता है एक मुस्लिम मेरी टीम के अंदर नहीं आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि होमलैंडर की जो आइडियोलॉजी है ना वो टोटली गलत है। वो चाहता है कि एक तरह से व्हाइट सुप्रीमेसी बनी रहे और पूरा शो जो है ना ये इसी के ऊपर दर्शाया गया है कि होमलैंडर जो भी चाहता है वो होता है और बाकी लोग जो चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगले सीन में फ्रेंची दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड से मिलता है और उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि वो नीना के लिए काम कर रही है। ऑब्वियसली आप ये बात समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फ्रेंची का जो पास्ट है ना वो रशियन गैंगस्टर के साथ में, रशियन ड्रग डीलर के साथ में जुड़ा हुआ है और यही कनेक्शन जो है ना वो इस एपिसोड के एंड में काम आने वाला है बिली बुचर के। उसके बाद इस पूरे एपिसोड का मेन प्लॉट आता है जहां पर ग्रेस मैलरी को सारे के सारे बंदे मिलने जाते हैं। वो पूछते हैं कि एक्चुअली मैं ये बताओ कि सोल्जर बॉय के साथ में क्या हुआ था। तो ग्रेस मैलरी अपने पास्ट में जाकर यानी जब सोल्जर बॉय और उसकी टीम पूरी यानी कि पेबैक जब जिंदा थी ना पूरी कहानी बताती है और बताती है कि किस तरह से पेबैक की जो पूरी पूरी टीम थी ना बिल्कुल बेकार थी। हमें दिखाया जाता है पेबैक के सारे कैरेक्टर और जो मेन कैरेक्टर यानी कि सोल्जर बॉय वो भी हमें दिखाया जाता है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जेंसन एकल्स जो है ना वो कैप्टन अमेरिका वाली यानी कि स्टीव रॉजर वाली आवाज अपने पास सकते हैं। दोनों वॉइस को आप कंपेयर भी कर सकते हो। I do like the assertive type. You know, with a figure like yours, you are wasted down here. Hi, I'm Captain America. Here to talk to you about one of the most valuable traits a soldier. जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर है ना सोल्जर बॉय ये कैप्टन अमेरिका के ऊपर ही बेस्ड है। कुछ अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब होमलैंडर जो है वो स्टारलाइट को बोल रहा होता है कि मेरी मर्जी चलेगी 7 के अंदर कौन आएगा या नहीं आएगा और मेरा एंड में कहना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टारलाइट उसको धमकी देती है कि वही प्लेन वाली वीडियो जहां पर तूने सब लोगों को मरवा दिया था वो वाली वीडियो मैं रिलीज कर दूंगी। तो होमलैंडर कहता है कर दो रिलीज। अब होमलैंडर के ऊपर ना किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं है। सेकंड एपिसोड में हमने देखा था
था कि स्टैन एडगर बोलता है स्टारलाइट को कि जब तक मैं हूँ वार्ड के अंदर तब तक होमलैंडर कंट्रोल में रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि होमलैंडर का जो कंट्रोल है ना वो धीरे धीरे स्टैन एडगर के हाथ से छूट रहा है और वार्ड वाले ना उसको ज्यादा दिन तक कंटेन नहीं कर पाएंगे। और मुझे तो ये भी लगता है कि एंड आते आते ना ऐसा हो सकता है कि वार्ड वाले ही बॉयज को कुछ ऐसा दे जिससे होमलैंडर को मारा जा सके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थर्ड सीजन के एंड आते आते ना जो होमलैंडर है वो पूरे तरीके से पागल हो जाए। एपिसोड 2 के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से होमलैंडर जो है ना वो ऑन द ईयर सबको बताया था कि मैं सुपर ह्यूमन हूं, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इतना ओपन होकर वो बात करता है और उसके दिल में जितनी सारी चीजें होती है ना वो सब कुछ बताया था। बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि लोगों को पता चलता कि होमलैंडर कितना हरामी है, लेकिन होता यह है कि वो चीज जो लोग है जो एक्चुअली में होमलैंडर को फॉलो करते हैं उनके दिल में उतर जाती है और कहीं ना कहीं होमलैंडर के सच बोलने के बाद भी लोग उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो कि होमलैंडर की आइडियोलॉजी के साथ में मैच करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बिली बुचर जो कि टेम्प फील लेने के बाद में अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हम देख सकते हैं बाथरूम के अंदर वो उल्टी कर रहा है, अपनी पावर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई और ना मर जाए। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है बिली बुचर के लिए, क्योंकि अगेन मैं बोलूंगा सेम बात कि बिली बुचर जो है वो वही बनता जा रहा है जिससे वो नफरत करता है। ग्रेस मेलनी एंड में सारी की सारी चीजें बता देती है और जब बॉयज वाले बंदे या फिर बिली बुचर पूछता है ना उससे कि हुआ क्या था एक्चुअली में सोल्जर बॉय के साथ में, तो बोलती है कि हमारे ऊपर अटैक हो गया था जब स्वाटर उड़ रहा था, वहां पर रशियंस आए, उन्होंने सोल्जर बॉय के ऊपर अटैक किया और उसकी बॉडी को रशिया में ले गए। अगेन जो कहानी है ना वो टोटली एक तरह से सिमिलर है कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर की तरह, क्योंकि एंड में होता क्या है विंटर सोल्जर की बॉडी को भी रशिया ले जाया जाता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अब बॉयज की गैंग को पता चल चुका है कि उनको कहां जाना है उनको रशिया, और रशिया में उनकी कॉन्टैक्ट बनेगी हमारी फ्रेंची की फ्रेंड यानी कि नीना। वैसे अगर ट्रेलर आपने देखा होगा ना तो उस ट्रेलर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सोल्जर बॉय है ना उसको क्रायो चेंबर के अंदर रखा जा रहा था और बॉयज वाले जो बंदे हैं या फिर बिली बुचर की जो टीम है वो सारे के सारे वहां पर पहुंचकर उसको वहां से बाहर भी निकाल देंगे। तो हाँ ये चीज तो कंफर्म है कि रशिया के अंदर बॉयज जाने वाले हैं। रायन को बचाने के लिए जो बिली बुचर है ना उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है और एक तरह से अपना फादर फिगर जो उसने बिल्ड किया था रायन के साथ में उसका वो तोड़ना शुरू कर देता है। वो ये नहीं चाहता कि रायन को पता चले कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं, ऑब्वियसली वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता, बेशक से उसको टेम्पररी हर्ट उसको देना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बिली बुचर रायन को हर्ट नहीं करना चाहता बिकॉज वो उसके सन की तरह है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एंड में उन दोनों का फ्यूड हो जाता है जहां पर रायन कहता है बिली बुचर से आई हेट यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिली बुचर को दर्द तो हुआ दुख तो हुआ लेकिन उसको ये करना पड़ेगा हमारे रायन के भले के लिए। एपिसोड के एंड में हम देख सकते हैं कि सेवन की जो टीम है वो अगेन बन जाती है, जो होमलैंडर है वो लास्ट के दो बंदों को भी चुन लेता है, एक है सुपरसोनिक जो कि हमारी स्टारलाइट का एक्स बॉयफ्रेंड था और एक वो वापस से ले आता है टीम के अंदर डीप को। अगेन होमलैंडर यहां पे जीत जाता है, स्टारलाइट इस बात को हेट करती है तो अगेन वो अपने हैंड को पीछे ले जाकर उसको क्लंच करती है, यानी अगेन स्टारलाइट की लाइफ में जो कंट्रोल है ना वो किसी और का है और यहां पर होता है एपिसोड खत्म। मुझे तो बस इतना पता है कि जो शोडाउन होने वाला है बिली बुचर के बीच में और हमारे होमलैंडर के बीच में ना बहुत ही वाइल्ड होने वाला है। मैं अगेन अपनी थ्योरी यहां पर रखना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है कि वॉट एंड में आकर, क्योंकि होमलैंडर जो है वो बेकाबू होने वाला है, तो वॉट एंड में आकर बॉयज को कुछ ऐसा दे जिससे हमारे होमलैंडर को हराया जा सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सोल्जर बॉय के पास ही कुछ ऐसी पावर्स हो जो कि होमलैंडर को आराम से हरा सकती हैं। तो हाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फोर्थ एपिसोड आएगा अब नेक्स्ट फ्राइडे को जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर अभी तक आपने सीजन 3 नहीं देखा है बॉयज का तो क्या कर रहे हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पे जाके पूरे सीजन को फटाफट से देख डालो, 3 एपिसोड आ चुके हैं, 14 आने वाला है, वेट फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।